वेलकम बैक टू रीना के संग। रीना के संग रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो दोस्तों, ये है चैतन्या। और चैतन्या आज आपको दिख रही है स्कूल यूनिफॉर्म में, बिकॉज आज चैतन्या का है क्या, पीटीएम। तो चैतन्या का आज पीटीएम है, स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो अभी मैं जा रही हूँ चैतन्या के स्कूल। और एज यू नो कि कल जो थी मेहंदी रात थी, कल हमने मेहंदी रात इंजॉय की। और सुबह सुबह मैं 7 बजे सीधा वहाँ से आ गई अपने घर, जहाँ फंक्शन के लिए गए थे, वहाँ से जल्दी जल्दी सुबह निकल गई, क्योंकि चैतन्या का जो है पीटीएम था, तो मुझे पीटीएम भी अटेंड करना था। पीटीएम मैंने मिस नहीं करना था चैतन्या का। तो अभी हम सीधा मेहंदी के फंक्शन से सीधा सुबह सुबह घर आए, और अब हम चल गए, चल पड़े हैं चैतन्या के स्कूल के लिए। और शाम को जाने वाले हैं शादी में। तो अमेजिंग होने वाला आज का दिन, और आज का पूरा ब्लॉग आपने देखना है कि क्या क्या हम करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है। और ये है मेरी मेहंदी, ये देखो कितनी डार्क लग गई है, एकदम मस्त मेहंदी लगी है। देखो ये मेरी मेहंदी, अच्छी तरह दिखाओ अपनी मेहंदी। तो दोस्तों, ये है चैतन्या की मेहंदी, जो कि मैंने लगाई थी। क्रेडिट गोज़ टू मी, फर्स्ट पीटीएम है, क्योंकि कुछ दिन बाद शायद इनकी हॉलीडेज होने वाले, समर हॉलीडेज, इसलिए अरेंज की गई है ये पीटीएम। तो अब हम पहुंचने वाले हैं चैतन्या के स्कूल, आप भी हमारे साथ चलो। और फिर शाम को देखेंगे क्या करना है, शादी में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। पर पीटीएम की वजह से ना, शादी का जो सुबह का हल्दी का फंक्शन था वो मिस हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पीटीएम भी अटेंड करना है। तो हम हल्दी नहीं अटेंड कर पाए पीटीएम की वजह से। तो पहले पीटीएम जाएंगे, और उसके बाद हम हल्दी के लिए जाएंगे, हल्दी के लिए नहीं, बस शादी में जाएंगे। तो चलिए, आज आप हमारे साथ रहिए और हम चल। Pretty girl, walk like this, this. Pretty girl. But I'm not walking like this. Why? What will your ma'am says to me regarding your performance in class? Personally, I don't know. Personally, I don't know. Why? Why don't you know that? Nobody knows each other's mind, you know. She can give me a good, then she'll be my best teacher. If she gives me a bad, she is your best then teacher. She's my worst teacher. Okay, it depends on her review on you. Yes. चैतन्या के स्कूल पहुंच चुके हैं, और पीटीएम के लिए पेरेंट्स आने लग गए हैं। और मैं चैतन्या को लेकर क्लासरूम में जा रही हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। चैतन्या के पीटीएम में आ गए हैं, और ये मेरी फ्रेंड है सोना, आपने पहले ब्लॉग में भी देखी होगी, और आज फिर से मिल गई है। ये मेरी फ्रेंड है, और उधर चैतन्या की फ्रेंड है। चैतन्या इधर देखो भव्या, यहाँ ये तीनों के तीनों हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ खा रहे हैं। और सामने जो है बुक फेयर लगा हुआ है, आज चैतन्या के स्कूल में बुक फेयर भी है। आपका पीटीएम बढ़िया? बढ़िया, अभी तो बढ़िया है, पेपर के बाद, एग्जाम के बाद पता चलेगा। अभी तो ये इस सीजन का पहला पीटीएम है, तो अच्छा आराम से ही था। बाकी बाद में इन बच्चों की पोल खुलेगी कि क्या कौन कैसा है, काम कैसा नहीं है। देख, अभी तो सब अच्छा अच्छा बताया मैडम। तो हम अब बच्चों के लिए कुछ बुक्स लेंगे यहाँ से, अच्छे अच्छे बुक के कलेक्शन। Hey guys, so right now I'm just swinging and this is my friend named Bhavya. Hi. And she's hiding her face because she's an absolute introvert. Show me your face. I don't have a face. Guys, she is Langri. Langri. Hi. Football match practice is going on. क्या बोल रहा है? So she's. She's Langri. अरे, this is not for Reena के संग, this is for my channel. Okay, what is your channel? Chaitanya Zuff. Chaitanya Zuff. Yes. तो फ्रेंड्स, अब पीटीएम ओवर हो गया, और चैतन्या का स्कूल देखो कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी रहती है, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है। बट अभी आज हमें इवनिंग में शादी में भी जाना है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अब वापस घर की ओर,
और यहाँ पे देखो ये है नींबू का पेड़ जिसमें नींबू लगा है, और सोना जो है वो उसको तोड़ना चाह रही है, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, नहीं तो स्कूल वाले हमें डांटेंगे। ये देखिए लेमन लगे हुए। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा है हल्दी का फंक्शन, और हल्दी का फंक्शन मेरे से मिस हो गया था क्योंकि चितन्ना के पीछे में जाना था, फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं, वो आप देखिए कि हमारे उत्तराखंड में किस तरह से हल्दी होती है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रीना के संग। रीना के संग रहे, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों हम मैं पहुंच चुकी हूं शादी में, और रात के बज रहे हैं 10। तो फाइनली हम शादी में आ गए हैं, और ये देखिए मेरी मेहंदी, बहुत ही बढ़िया कलर आया है मेहंदी का, और बहुत ही बढ़िया हो रही है शादी। तो मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ, और म्यूज़िक बहुत ही लाउड है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, और यहाँ बहुत गर्मी भी लग रही है, बट हम फिर भी कूलर के पास एकदम बैठ चुके हैं क्योंकि ओपन एयर जो टेंट लगा हुआ है। और ये है मेरी प्यारी सी मौसी, इनका नाम है मीनाक्षी, जो कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं और मेरी मासी भी हैं। और यहाँ पे हैं चैतन्य के पापा और चैतन्य। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं शादी को। तो बीच में आते वक्त मैंने वीडियो नहीं बना पाई, और ये रहा टेस्टी सा खाना दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पे आ गए टेस्टी सा खाना, और चैतन्य के पापा पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम सब अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये रहे मेरे मामा जी, और ये रहे मीनाक्षी के हस्बैंड, यानी कि इनके पतिदेव हैं ये, और हम सब बैठे हुए हैं साथ में। तो दोस्तों हम लोग सबसे मिल लिए हैं, और आपको वॉइस नहीं आने वाली है, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और अब हम कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़ोरों से जो है वो भूख लग गई है, इतना टेम्पटिंग खाना सामने आ रहा है, तो मेरे से तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मैं फटाफट से अब खाती हूँ और आपको बताती हूँ खाना कैसा है। वैसे तारीफ बहुत ज़्यादा हुई है, खाना वाकई में बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। अन्नू की शादी में खाना भी बढ़िया था, और यहाँ है चैतन्य भी इंजॉय कर रही है मैरिज फंक्शन को। और ये मेरी प्रिटी सी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, और ये है मीनाक्षी की बेटी, बिल्कुल एंजल सी, स्वीट सी, प्यारी सी डॉल है ये। और यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, फिर से मैं कह रही हूँ, और हम लोग दबा के खा रहे हैं। देख रहे हो हमारे टेबल पे बढ़िया बढ़िया सारे स्नैक्स आ रहे हैं। और ये रही मौसी जी, जिनकी बेटी की शादी है, ये तो आज बिल्कुल हीरोइन लग रही है मेरी मौसी जी। यही है जिनकी बेटी की शादी है, ये हमारी रियल मौसी हैं। और ये टेंट लगा हुआ है बड़ा ही ब्यूटीफुल, और बिल्कुल मेन सेंटर पे हम लोग बैठे हुए हैं, और लोगों को डांस करते हुए देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मैरिज फंक्शन को। तो दोस्तों फाइनली मैंने खाना खा लिया, और ये रहे चैतन्य के पापा, हैंडसम बॉय यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं विद दिस ब्यूटीफुल एंजल। तो चैतन्य काफ़ी इंजॉय कर रही है, बड़े दिन बाद हमें सारे रिलेटिव से मिलना हो रहा है, और बहुत ही मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे, और हमने काफ़ी इंजॉय किया है क्योंकि ये फैमिली फंक्शन है, सारे हमारे रिलेटिव ही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो लड़के के साइड वाले हैं ना वो भी हमारे रिलेटिव हैं। और यहाँ पे पापा और मैं सुंदर से कपल यहाँ बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। और बाकी हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और ये देखो मेरी मेहंदी जितना टाइम होता जा रहा है ये उतनी और ज़्यादा डार्क होती जा रही है। और यहाँ पापा अब आपको दिखाएंगे मेरा चूहा है जो है उसकी मेहंदी, ये देखो उसको चैतन्य की मेहंदी भी सुपर कलर आया है। तो दोस्तों हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मैरिज फंक्शन में, और ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बता देना प्लीज़, एक बार तो ज़रूर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी जो फैमिली गर्ल्स हैं कुछ इस तरह से तैयार है, आप लोग दिखाते हैं, रहे हम लोग बैठे हुए हैं, तो लड़कियां जो हैं वो तैयार हो गई है, बराती आ चुकी है, और आप दिखाते हैं उसी जगह में बैठे हुए हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, हम एक ही जगह में बैठे हैं वहीं पे इंजॉय कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं लड़कियों को। ये प्रिटी प्रिटी गर्ल्स इधर देखो, टीना, ये हमारी टीना, अपनी अपनी ड्रेसेस दिखाओ जरा, ये थक चुकी है, इनका मन नहीं कर रहा है उठने का। इधर ये मेरी चैतन्या है, चैतन्या खड़े होकर दिखाओ जरा ड्रेसेस। हमारी
आगे क्या इनके आगे तो देखो चुकी है तो लड़कियों ने बारात का वेलकम कर लिया है और अब बारात आने लगी है तो चलिए देखते हैं दूल्हा वगैरह उसके फैमिली वगैरह सब आने वाले हैं और इन लड़कियों ने वेलकम किया है और देखते हैं दूल्हा कैसा लग रहा है। परदेश